पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कठुमर सर्किल के थानों का दौरा करते हुए बैतूकला और खेरली थाने का दौरा किया, जिसमें बैतूकला में आयोजित होने जा रहे धौलागढ़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया व थाना परिसर में मीटिंग कर जरूरी निर्देश दिए। इधर खेरली थाने का दौरा करते हुए 24 मार्च को हुए सुरेंद्र चौहान की हत्या के संबंध में मृताधिकारी सहित सभी थाना अधिकारियों की मीटिंग ली। साथ ही थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अनुसंधान अधिकारी व अनुसंधान कक्ष से संबंधित जरूरी निर्देश दिए। इसी बीच सूचना पाकर सुरेंद्र चौहान के परिजनों से बात करते हुए धैर्य रखने को कहा और मामले को लेकर शीघ्र व्यावश्यक खुलासा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमन मीणा भी साथ रहे। उन्होंने बताया कि यह का दौरा धौलागढ़ मेले व सुरेंद्र हत्याकांड के संबंध में जानकारी लेना था। इसी संबंध में मीटिंग कर अनुसंधान की प्रोग्रेस की रिपोर्ट ली है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। मामला कुछ पेचीदा है, लेकिन अवश्य ही आरोपियों का पता चल जाएगा। फिलहाल उन्होंने आरोपियों की कोई भी पहचान होने से मना कर दिया। इस दौरान सरपंच सौखर भजन खींची ने भी पुलिस अधीक्षक से बात की। 24 मार्च को यहाँ पे एक गंभीर घटना हुई थी, अपराधी साहब का जो बच्चा था उसका मर्डर हुआ था, सौखर गांव का था। उसी सिलसिले में एसपी महोदय और मैं यहाँ पर आए थे। हमारी टीम इसमें लगी हुई है, गंभीर मुद्दा है, गंभीर प्रकरण है, इसको खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी इसका खुलासा हो जाए। जो टीम है उसको अलग अलग जो भी एंगल्स हैं उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला हुआ है, निर्देशित किया हुआ है। मैं खुद भी इसमें यहाँ कैंप किया हुआ हूँ, कोशिश करेंगे जल्दी इसका खुलासा। सर अभी इसमें ट्रॉली बरामद नहीं हुई है? हाँ ये बात सही है, अभी कोई ट्रॉली का पता नहीं चल पाया है। सर इसमें ऐसा है क्या कोई मुलजिम की पहचान वगैरह? अभी ऐसा हम उस स्थिति में नहीं है कि क्लियर के मुलजिम का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो चुका है या नहीं, अभी सभी एंगल्स पे इसमें जांच कर रहे हैं।